जबर नूर के नाम से तबीर हो गया, बदली हो गया, क्योंकि नूर मीन्स आपको मालूम है रोशनी है, कुरान ये नूर है। इस वजह से वो लोग उसी जमन में जो लोग नाम भी बदली किया, जबर हरा का नाम जबर नूर हो गया, लेकिन जो गार का नाम है गार हरा। तो गार हरा देखना चाहे तो पहाड़ के ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा भाई साहब। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताया था, अगर गार हरा आपको देखना चाहिए तो आप लोग लाजिम ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको हिम्मत है गाड़ी से उतर के चलो मुश्किल नहीं, ये तो आप कभी इंशाल्लाह 10 दिन का प्रोग्राम बन के आ जाएगा, आपको काफी टाइम मिलेगा और रोजा भी नहीं होता है तो आपको चढ़ सकते हैं। अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ। ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ അവസാന ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ജബൽ നൂർ അല്ലെങ്കിൽ ജബൽ ഹെറായിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ജബൽ ഹെറ എന്നുള്ള പേര് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അവതരണത്തോട് കൂടി ജബൽ നൂർ എന്നായി മാറി. നൂർ എന്നാൽ പ്രകാശം എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അവതരണത്തോടു കൂടിയാണ് ആ മലക്ക് പിന്നീട് നൂർ പർവ്വതം എന്ന പേര് വന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വയസ്സ് 37, ഏകദേശം 37 തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏകദേശം 37 വയസ്സിൽ അന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ ബിബിയാണ് ഭാര്യ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മലയുടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള പറയുന്ന യുവാവ് ചെയ്തു. 37 വയസ്സുള്ള യുവാവ് ഈ മലയുടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു പുഴയിൽ ഇരിക്കുകയും 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഇടക്കിടക്കത്. അപ്പൊ മല മുഴുവൻ കയറാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റൂ. നമുക്കറിയാം പ്രവാചകനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ദൗത്യം വളരെ വലിയ ദൗത്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തും, മുൻകരുതൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും. പ്രവാചകനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്തിമ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്, എല്ലാ പ്രവാചകന്റെയും പരിസമാപ്തി എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മനസ്സ് പതരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മാനസികമായുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രവാചകനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് 3 വർഷം ഈ മലയിൽ വെച്ച് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ. പിതാ ദിക്രം അഭിയാൻ പൗച്ചന വാല ഹെ ജബൽ നൂർ ഉസ് പഹാഡ് കെ സബ്സെ ഊപ്പർ ഹെ ജബൽ ഗാർ ഹിറ. ഗാർ ഹിറ മേ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 3 സാൽ തക് മൗജൂദ് താ. 37 ഉമർ സെ 40 ഉമർ തക്. ജബ് 40 ഉമർ പൂര ഹോ ഗയാ, जिब्रील फरिश्ते आकर रमजान के आखिर दिनों में जो कुरान के वही के नुज़ूल का आगाज स्टार्ट किया वही, और देखिए आप इंशाल्लाह जबल नूर आपको दिखाएगा. जबल नूर का सबसे ऊपर है गार हिरा. गार हिरा देखना तो लाजिम सबसे ऊपर तक जाना पड़ेगा. खदीजा रली अल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी खदीजा रली अल्लाहु अन्हा हफ्ते में कम से कम 3 बार उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो खाना पीने का मजीद सामान लेके जाके देते थे. देखो लोग गाड़ी इधर दिखा के इधर से दिखाते हैं. मैंने आपको कुबरी का जो ब्रिज के ऊपर से दिखाएगा आपका आपको अच्छा नजर आएगा. जो जबर जो ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे देखो राइट साइड में ऊंचा वाला जो कोन आइसक्रीम के शक्ल में जो पहाड़ देखा राइट साइड में ऊंचा वाला वो जो पहाड़ गौर से देखेगा लोग आप तो देख सकते हैं. जो लोग आप शायद जूम करके देखो अपने वीडियो तो आपको मालूम पड़ेगा लोग ऊपर नहीं चढ़ते हैं. अभी रमजान में लोग रात को जाते हैं, बाकी लोग दिन के जाते हैं. ठीक
लेकिन रमजान है करके लोग रात को जाते हैं इफ्तारी के बाद या तरावी के बाद ऐसा जाते हैं। देखो अभी बिल्कुल आपको नजर आता है जो पहाड़ जबल तौर, वो जो पहाड़ के सबसे ऊपर है पहाड़ का वहाँ पे, तो वहाँ से वही का नूर का आगाज हुआ। इधर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है मक्का, मक्का से नहीं कर सदा सर इस पहाड़ के ऊपर आके सबसे ऊपर जो गार में बैठा 3 साल तक 37 उम्र से 40 उम्र तक, जब 40 उम्र में वही का स्टार्ट हो गया, जिबरील आके फरमाया कि करो बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। देखा अगर आपको गार देखना बाद में इंशाल्लाह आप लोग दोबारा आएगा ना आप ऊपर चढ़ सकते हैं। കട്ടില്ലേ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ജബല നൂർ സ്ഥിതി ഇറാഖ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. अभी देखो कितना ऊंचा है ना, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है, इसमें से चलने के लिए ना चढ़ने के लिए आपको स्टेयरकेस है, चलते ही जो लोग है ना पानी सेल करते हैं उसके ऊपर कोल्ड स्टोर जैसा है, बहुत से जूस बनाना सब कुछ है, बंदर भी है मौजूद है, मजा है ऊपर चढ़ने का। लेकिन देखो जो 14 साल पुराना का जगह है ना, बाकी सब जगह चेंज हो गया, सही है, बाकी पूरा उसी जमाने के जैसा कुछ भी नहीं है ना, सब चेंज हो गया, सभी नया नया हो गया ना। लेकिन 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर बैठा चढ़ा उधर ऊपर रहा, उधर से कुरान का वही नजूल हुआ, वही का नजूल हुआ। देखो उस वो गार में आप लोग बैठेगा ना, गार सीधा किबला के डायरेक्शन है, गार का जो एंट्रेंस हो जाएगा सीधा किबला के डायरेक्शन है, आगे ओपन है आपको सीधा खाना कहवा नहीं तो हरम पाक नजर आता है। देखना थी वीडियोस उन लोगों ने बोल डाली। हम लोग जो मदीना मुनव्वरा स्टार्टिंग में बताया, ये जो पैकेज का मकसद सिर्फ उमरा है, एक रमजान के एक उमरा करेगा, एक तरावी नमाज पढ़ेगा, बस वापस जाएगा, लेकिन आपको इसमें ज़ियारत मदीना भी ऐड है। तो मदीना इंशाल्लाह आज मतलब फजर नमाज के बाद मदीना की तरफ निकलेगा, लेकिन शर्त है लाजिम फजर नमाज पढ़ के फौरन निकलना के। अगर आप मेरे ख्याल में मस्जिद हरम में जाएगा फजर के लिए शायद आपको टाइम लगेगा, तो फजर नमाज पढ़ के फौरन निकलेगा आप जुमा को मदीना पहुंचेगा, ये तो आपको जुमा मिस हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं आज फजर नमाज के बाद अजमीन से इंशाल्लाह कल सुबह फजर नमाज के बाद शार्प 7 बजे हमको निकलना है। रेडी है सब लोग ताकि तकरीबन 11 बजे से पहले आप लोग मदीना पहुंचेगा। सुबह 7 o'clock पे निकलेंगे बस, और 7 o'clock मॉर्निंग। दूसरा ऑप्शन भी है आज रात को निकलेगा, लेकिन आपको नींद भी प्रॉब्लम है, बाद में आप लोग बोलेगा मेरे को 7 बजे आप लोग रेडी हो जाओ, जैसा गुस्ल करके नमाज के लिए जाते जैसा 7 बजे शार्प बस निकलेगा। अगर किसी आदमी लेट हो गया उसके वजह से फिर बाकी लोगों का जुम्मा मिस हो जाएगा, तो वो मसूल होगा। रेडी है सब लोग, कोशिश करो इंशाल्लाह आज अच्छा से आप स्लीप करो। फजर नमाज आपका मर्जी, आराम में जाकर पढ़ो, वापस आने का टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फजर नमाज आप हमारे सामने वाले मस्जिद से पढ़ो, होटल के होटल में भी मस्जिद है, PR में मस्जिद है, वहां से पढ़ेगा मुश्किल नहीं, ताकि आपको आराम से जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ सकते हैं। 7 बजे 7 o'clock, तो 7:30 बजे यानी 6 बजे
5 बजे तो नमाज खत्म हो जाती है, तो 6:30 बजे सामान नीचे लेके आओ, 6:30 बजे इंशाल्लाह आप नीचे आ जाओ, गाड़ी में लेके आएगा मुश्किल। ओके मैं निकलने के टाइमिंग शार्प बताया आपको, तो बाकी 6:30 बजे तक आप लोग इंशाल्लाह रेडी हो जाओ, ये आपके लिए बेहतर है। अलबदर और खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, होटल है, सब होटल है, अल अमीर मस्जिद बिन मतलब किसी को आप जमजम चाहिए तो आप जफर भाई को बताओ, मुझे लिस्ट दियो, तो आप इन जमजम चाहिए हम ले लिया। अगर आपको किसी को जमदन चाहिए तो जबर भाई को नाम दियो, कितना जमदन चाहिए वो भी दियो, उसी हिसाब से फैक्ट्री में जाकर इंशाल्लाह आगे ग्रीन डॉग एक आदमी को 5 लीटर का कैन की इजाजत है। अगर मस्जिद चाहिए बताओ अभी, या अगर कोशिश करेगा मिलने की रात को।
रानी अब्बा ईशा की नमाज पढ़े। ये मस्जिद जिन है, यहाँ पे जिन आते थे ना, प्राण पाकिस्तान मुसलमान आ गए थे। ओनली 5 लीटर का कैन जो फैक्ट्री में जो बॉटलिंग प्लांट है वहाँ से 5 लीटर का कैन मिलता है। 15 रियाल है एक कैन का कीमत, 15 रियाल मतलब 1,500 रुपया। अगर आपको चाहिए तो जफर भाई को आप बताओ, मैं आपकी डायरेक्टर भी जा रही सब लेके आएगा। मैं पैसे हैं, हाँ है क्यों नहीं खाने पीने के, हाँ है मस्जिद बिन बाज बहुत बड़े शेख थे, उन्होंने इस्लाम को बहुत फैलाया था ना। इस मस्जिद के सामने हमारा होटल है, मस्जिद बिन बाज के सामने। तो ये छोटी मस्जिद गार्डन वाले इसके कतर की है, कतरी मस्जिद। होटल भी जा रहे हैं? हाँ होटल जा रहे हैं। कहाँ गई है बस, कहाँ जा रही है? हमारे होटल के नीचे यहाँ से लाया था उज़्बेकिस्तान रेस्टोरेंट। ये देखो, ये इधर पीछे पीछे देखा, उसे मैक्रोनी लाया था। अब कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता, होटल तो पीछे रह गया, शायद अवेलेबल क्यों ना जा रहे हैं। क्या सोचा है इसे होटल जाना, इसमें नीचे मिल तो रहा है मतलब, हमने वहीं से खरीदा ना। चढ़ने वाले
पुराने होटल थे, पुरानी छोटी बिल्डिंग ही नहीं है। पुरानी बिल्डिंग्स के और नहीं होते कंट्रीज के लोग इधर रहते हैं। नहीं वो बताएगा हमने ले लिया। आपका सही है ना? सही तो आया
क्लियर सी बिल्डिंग के पीछे, सब डिफरेंट कलर के वो पहाड़, वाइट और ग्रे, फैक्ट्री है।
दमदम फैक्ट्री आ गई फैक्ट्री बंद है 12 बजे का अभी 12 बजे ओपन होगा अभी इधर ही नमाज पढ़ने थे क्या पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है मेरा बच्चे के हो या वो भरना पड़ता है ना अजीब से दमदम ही होता है दमदम फैक्ट्री है जो रमजान 12 बजे खुलती है रॉयल होटल मसारत रॉयल होटल वैसे कितना बड़ा फ्लोर है हैं कितने फ्लोर 30 फ्लोर कभी अंदर जाना चाहिए है ना लिफ्ट ना 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 ना
बस हम बस वो रोड आ रहे हम इरा मन बोलते पद वापसी बस इना हम प्रॉब्लम क्या है
बिना इहराम का कपड़ा आपको हरम पाक में नजदीक नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ऊपर से कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से लंबा चक्कर होगा, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं, सादा कपड़ा से। लेकिन वजू चाहिए, जो नफरी तवाफ है सिर्फ सात चक्कर, सिर्फ सात चक्कर, सही का जरूरत नहीं है, उसके लिए इहराम के कपड़े का जरूरत नहीं। लेकिन इहराम की हालत में आपको खाना काबा का नजदीक छोड़ते हैं, लेकिन वो अच्छा भी नहीं है, जैसा यानी पुलिस को सूट बना के कपड़ा पहन के जाएगा, अंदर जाएगा तवाफ करेगा, वो सही नहीं है। वो लोग सेशन रखकर दूसरा जो पहली बार उमरा करता है उनका उनके लिए आसानी के लिए रश कम करने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह अगर आपको दोबारा उमरा करना चाहिए तो लाजिम क्या करना, हमारा रूम से गुस्ल करो, इहराम के लिए कपड़ा पहनो, टैक्सी पकड़ो, मस्जिद आयशा जाओ, वहाँ से नियत करके वापस आके तवाफ से ही बात करते हैं, वो उमरा का तरीका है। तो ऐसा भी कर सकते हैं अपना जो बहुत हो गया मान के लिए बाप के लिए जो आपको उमरा कर सकते हैं। बॉटल से बांध सकते हैं मीन्स कपड़ा बदली कर सकता है, गुस्ल कर सकता है, लेकिन प्रोसेस मतलब नियत लाजिम मस्जिद हुदूद के बाहर जाना चाहिए, या मस्जिद आयशा जाओ, हुदैबिया की तरफ जाओ, या अरफात की तरफ जाओ, किधर भी जाओ मुश्किल है, लेकिन कपड़ा बदली कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, होटल से मुश्किल नहीं। ओके, ताका फिर आप जैसे टैक्सी में बैठेगा उसी टैक्सी में वापस आके तो आप सही आराम में छोड़ेगा तो आप सही कर सकते हैं। सदिका जो याद रखो तवाफ अलविदा सिर्फ हज में, याद रखो उमरे में तवाफ अलविदा नहीं है, यानी तवाफ अलविदा सिर्फ हज में, जो बिना तवाफ अलविदा हज सही नहीं होता है। वो भी क्या करना, सबसे आखिरी काम होता है तवाफ अलविदा, जो हज में हज के दिनों में हज करके लास्ट में कब जाएगा, जाने के पहले तवाफ अलविदा करो और निकलो। लेकिन उमरे में तवाफ अलविदा नहीं है, लेकिन किसी को चाहिए कर सकता है, यानी आज, लेकिन ऐसा शर्त नहीं है लास्ट एंड टाइम में करो, नहीं, आपको तवाफ अभी दो दिन के बाद जब जाएगा चाहिए तो आपको दिल में ऐसा कर सकते हैं ये जो मेरा लास्ट तवाफ है, मतलब मेरे घर कभी तवाफ करने का टाइम नहीं है, मुश्किल नहीं, तवाफ आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, सुन्नत नहीं है, कुछ ताल्लुक नहीं है उम्र पे, याद रखा, मालूम पड़ा, हज में लाजमी है, अगर तवाफ अलविदा नहीं किया हज सही नहीं है, तो हज में वो लाजमी है, लेकिन उम्र में कुछ लाजमी ताल्लुक नहीं है तवाफ अलविदा, अगर करना कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोलो भाई मैंने तवाफ अलविदा के लिए किया, मैंने लेट हो गया, उधर डोर बंद हो गया, ऐसा नहीं, तवाफ अलविदा हज में उम्र में ताल्लुक नहीं है, हज में लाजिम आखिरी काम हुआ तवाफ अलविदा, तवाफ अलविदा करेगा सीधा बस में बैठो, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഹജ്ജിന് നിർബന്ധമാണ്, ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ല ഹജ്ജ് പൂർണ്ണല്ല, ഉംറക്ക് അത് നിർബന്ധമോ സുന്നത്തോ ഒന്നുമില്ല, ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം, അത് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകുന്നതിന്റെ രാജ്യം ചെയ്യാം, ഉംറക്കാണെങ്കിൽ അത് ഹജ്ജിനാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കർമ്മമായിരിക്കും, ഉംറക്ക് അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള
हमारा होटल का पीछे से भी बस जाता है हरम के लिए, उस बस में बैठते हैं, 2 मिनट में हरम पहुंचता है। वापसी में भी बिल्कुल फ्री है, होटल से पीछे मीन बिल्कुल पीछे से नहीं, पीछे से थोड़ा जाओ एक छत वाला जगह मिलेगा वहाँ, वहाँ से ना ये बस में बैठ कर कभी कभी वो लोग पैसे लेते हैं हट रियाल, कभी फ्री छोड़ते हैं, लेकिन वापसी बिल्कुल फ्री है। अभी आपको हमारे होटल के सामने पहुंच गया, सामान है तो ऑपोजिट सेट में गाड़ी उतारेगा, रोड क्रॉस करना थोड़ा ख्याल रखना, बाद में गाड़ी उतर करके आगे टाइम लगेगा। इधर देख रहा हूँ अभी होटल लेफ्ट साइड में राइट साइड बाजू उतारेगा, रोड क्रॉस करेगा, अब्दुल्ला बिन बाज दोपहर के, अब होटल जाना है, वुजू करना है, फिर मस्जिद जाना है, वो से होगा आज तो फिर ना, फिर हमने इशा को भी आना, व्हाट यस, ताकि बार बार ना जाना पड़े। इस बस में बैठने वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, हमारी बस पे लिखा हुआ वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, चली गई हमारी बरेनी बस। हाँ बरेनी, ग्रीन ग्रीन टैक्सियाँ जा रही हैं, प्यारी प्यारी टोयोटा की, दोरा बिस्सान होटल, वो बड़ी सी बस आ रही है, चलो
तो बच्चे लेकिन मेरे हाथ पे चला पाऊँ तो चले ना फिर हाँ हाँ पता बर्फ में तो अंदर तो मस्ती ठंडी होती है ना थोड़ा सा वो अपनी पकड़ो कम से कम तो ग्रीन तो चाहिए उधर आपको चाहिए चलो अभी आ गए हैं कार्ड मेरे पास हाँ मैं देता हूँ कार्ड।